क्या आप लोग आज रात के लिए तैयार हैं? वेल, क्या होने वाला है आज रात 9 बजे, मैं आपको बताता हूं। स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं आपका होस्ट हूं दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो दनादन फॉलो जरूर करें। दोस्तों, आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज रात 9 बजे प्रतीक सहजपाल अपने फैंस के लिए आ रहा है लाइव। जी हां, बिग बॉस ओटीटी में धमाल मचाने के बाद, फिनाले से सूटकेस उठाने के बाद, फिर उसके बाद बिग बॉस 15 और 15 में एंड तक लड़ने के बाद, प्रतीक सहजपाल जो कि फर्स्ट पोजीशन पर ना आकर सेकंड पोजीशन पर रह जाते हैं, ट्रॉफी नहीं जीत पाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक मोटिवेशन वाली बात कहते हैं कि तेजस्वी, मैं यहां पर जो है सार लूजर की तरह बातचीत नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूंगा कि तेजस्वी प्रकाश के किस्मत में लिखी थी ट्रॉफी और उसे मिल गई है। और ऐसे में दोस्तों, प्रतीक सहजपाल ने यह भी बात बोली है कि वो घर में इंसान वैसा हो जाता है, कोई इतना ज्यादा आक्रामक नहीं होता है, हिंसा नहीं करता है। दोस्तों, आपको बता दूं तो प्रतीक की जर्नी जो है वो ओटीटी से चलती हुई आ रही है। लगभग 13 महीने बाद वो अपनी माता जी से मुलाकात कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ऐसे में अब दोस्तों, यहाँ पे प्रतीक सहजपाल तो आज लाइव आएंगे, 9 बजे से लाइव है वो, तो लाइव आके जनता से क्या क्या बात करेंगे, जनता उनसे क्या क्या बात करेगी, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इंस्टाग्राम पे प्रतीक के अकाउंट में आप जाइए लाइव, और वो बातचीत करेंगे, ढेर सारी सवाल पूछिए उनसे, बातचीत करिए, और फाइनली जाके प्रतीक अपनी जीत का जश्न किस तरीके से मना रहा है, किस तरीके से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, यह सारी बातें प्रतीक बताएंगे। अब आपको क्या है कहना, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें आपका फेवरेट चैनल जिसका नाम है फीफा फूज। मुझे इजाजत दो यारों, मैं चलता हूं, और इसी तरीके की खबरें आप लोगों के लिए लेकर आता हूं।